हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन क्या पार्टी के लिए सिरदर्द बना हुआ है? दरअसल कांग्रेस में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि उम्मीदवारों के चयन के लिए 5 बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई हो। इसके बाद भी केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों का नाम तय नहीं कर सकी। अब ये काम पार्टी ने एक सब कमेटी को सौंप दिया। 8 सदस्यीय यही सब कमेटी ही अब प्रदेश के उम्मीदवारों का चयन करेगी। इस कमेटी में हरियाणा के 5 नेताओं के अलावा सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भक्त चरण दास शामिल किए गए हैं। क्या हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों का चयन पार्टी हाईकमान के लिए सिरदर्द बन गया है? लगता तो यही है। दरअसल पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्क्रीनिंग कमेटी की इतनी बैठकें होने के बाद भी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों का चयन करने की स्थिति में नहीं रही हो। अब शनिवार को सीईसी की बैठक में भी कोई अंतिम फैसला न करके एक सब कमेटी बना दी गयी। अब यही कमेटी प्रदेश के कांग्रेस उम्मीदवारों का चयन करेगी। हालांकि 3-4 सीटों पर कोई पेच नहीं है, पर बाकी सीटों को लेकर खींचतान और जातीय प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के चलते हरियाणा के संदर्भ में कांग्रेस में ये भी एक रिकॉर्ड बना कह सकते हैं। ये सच्चाई है कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि इतनी मीटिंगें होने के बाद फैसला नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़ी संकीर्ण लिस्ट में वो है, एक एक कदम फूंक के रख रही है और इस झूठी और जुमले वाली सरकार को और इनके नेताओं को हराना के लिए। गौरतलब है कि बीजेपी ने प्रदेश में अपनी पहली लिस्ट 13 मार्च को जारी कर दी थी, जिसमें पूर्व सीएम मनोहर लाल का भी नाम शामिल था। यानी कांग्रेस 1 महीना पीछे चल रही है। अब नवरात्र भी खत्म होने को है, ये क्या भाई। वैसे जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है उनमें करनाल सीट भी है, जहां से बीजेपी का बड़ा चेहरा पूर्व सीएम मनोहर लाल चुनावी मैदान में है। करनाल में बहुत बड़ा भाजपा ने चेहरा अपना उतारा हुआ है, जो मुख्यमंत्री पूर्व रहा मनोहर लाल खट्टर, उसके मुकाबले में पार्टी सोच करके कैंडिडेट उतारने जा रही है और निश्चित तौर पे वो एक अच्छा कैंडिडेट उतार करके और भाजपा सरकार को चलने का काम करेगी। अब कांग्रेस की सब कमेटी ही हरियाणा का फैसला करेगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। सब कमेटी की मीटिंग रविवार शाम को हो सकती है, नहीं होगी तो कब होगी ये कमेटी ही जाने। बीजेपी वाले चुटकी ले रहे हैं कि कांग्रेस पहले कमेटियां बनाने के लिए तारीख पर तारीख देती रही, अब तक नहीं बनी। अब उम्मीदवार मैदान में उतारने को भी तारीख पर तारीख। उधर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया कह रहे हैं कि हम मैदान में ऐसे उम्मीदवार उतारेंगे जो बीजेपी को चारों खाने चित कर दे। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत, बीरू।